श्रद्धा आपकी राधिमा के साथ जुड़ी हुई है? देखो, जैसे भक्त को भगवान से होती है ना, इसी तरह हमारी उनके प्रतीक है देवी माँ की तरफ से। कितने सालों से आप देवी माँ? नियरली 13-14 साल हो गए। जब से देवी माँ जी आई है, पति पत्नी है, तो जब से देवी माँ जी आई है, जब से मैं और ये मंदिर भी है ना, देवी माँ जी का एक सपना था कि ये और हमारे सपने के लिए देवी माँ जी ने बोला नहीं यहाँ नीलकंठ मंदिर ही होना, तो मैं नीलकंठ मंदिर का। देवी माँ का कितना सहयोग था, उनके ट्रस्ट से कितना सहयोग था? ट्रस्ट से पूरा हेल्प, जब चाहिए जब मदद मिलती है, ऐसा नहीं कि जब चाहिए जब भी उनका हाथ खुला, जब चाहेंगे जब भी आशीर्वाद देंगे। और जब तक हर चौकी में आप महाशिवरात्रि के दिन इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं आगे पूजा करें। तो देवी माँ की ट्रस्ट की तरफ से 1 लाख बच्चों को बैग दिया गया, कितना अच्छा लगता है ये सुनकर जब कोई आगे बढ़ गया? बहुत अच्छा लगता है, और अभी 1 लाख नहीं, अभी और बढ़ता जाएगा। अभी जो कोल्हापुर का वगैरह जो सामने का है, उन्होंने प्लानिंग की कि पहले उनको सेटल होने दें, तो हम घर के घर है ना बसेंगे। अभी घर में क्या चीज़ उनको पता चल जाए, क्या चीज़ एडॉप्ट, फैमिलीज एडॉप्ट करने का अभी प्लानिंग चल रहा है। जो सब देवी माँ जी अभी आज का क्या पूरा यहाँ पे मंदिर में मंदिर में देवी माँ जी ने, क्योंकि क्या होता है महाशिवरात्रि के दिन यहाँ नहीं थी, तो दिल्ली में महाशिवरात्रि में नहीं आए, तो मेरे इतने जितने भक्त हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके आके यहाँ भी मंगवा, और हर साल देते हैं, हर साल स्कूल में कॉलेज में चाहते हैं भी आपके कंप्यूटर बांटे हैं स्कूल में, तो देवी माँ जी सेवा करते हैं जब भी चाहे, बहुत दिल से करते हैं, इसलिए कि मतलब हमें कोई ऐसा दिखावट ही नहीं, नेचुरल है उनके, और खुश होती है देखते हुए और खुश होती है। किस तरह का ज्ञान देती हैं देवी माँ से, क्या ज्ञान प्राप्त होता है? अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो आप, तो ही जाके मेरी भले ही, यानी कोई भगवान को माने ना मुझे मानो, लेकिन अपने माता पिता की तुम सेवा जरूर करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो, उनकी ख्याल रखो। थैंक यू। उसमें काफ़ी लोग परेशान हैं, लोगों का घर उजड़ चुका है, और देवी माँ जब राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की बात आती है, हमेशा ही उनके साथ रहकर जिस तरह से सेवा में लगे होते हैं, तो वहाँ के लिए किस तरह की सेवा की जा रही है, आप लोगों ने क्या कुछ सोच रखा है कि उनके लिए भी आप लोग हेल्प कर सकेंगे? मुझे तो 16 साल हो गए हैं देवी माँ जी की सेवा करते हुए, और पिछले 30 वर्षों से राधे माँ जी कोई ना कोई रीज़न से, कोई ना कोई बहाने से सेवा करते रहते हैं। वेदर आप बोलिए कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर भी हमने सेवा दी थी, प्राइम मिनिस्टर के फंड में दिया था, फिर उसके बाद केरला में हुआ था जो, उसमें भी दिया, अभी महाराष्ट्र में भेजे, काफ़ी अन्न के सामान भेजा है, कल कपड़े भी जाने वाले हैं। तो रेगुलर बेसिस पर राधे माँ जी का ये चल रहा है। बीच में जब सर्दी आ गई थी तो कंबल दिए थे, उसके बाद राधे माँ जी ने अन्न बांटा है, स्कूल बैग्स दिए, मोर देन 1 लाख पीसेस राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी दिल्ली की जो है उनके थ्रू ये दिया गया है, और हम सब भक्त मिलके ये सब सेवा। तो कोल्हापुर और सांगली में अभी तक क्या क्या अब तक आपकी तरफ से पहुँचाया गया? दाल चावल नाश्ता कम से कम कल ही एक ट्रक भर के गया है, हम सब भक्तों की तरफ से राधे माँ जी की सेवा। और आगे क्या कुछ अभी आपने सोच रखा है कि आगे क्या कुछ और पहुंचाएंगे वहाँ तक? आज छतरियाँ बांटी है राधे माँ जी ने, जिसमें ज़रूरतमंद थी क्योंकि बारिश बहुत थी, तो राधे माँ जी ने छतरियाँ दी हैं सब। और वहाँ पे कपड़ा भी जाएगा ऐसा भी सुनने में आया है? हाँ, तो कल कपड़े भी जा रहे हैं, तो कपड़े भी जाएंगे, तो आप लोग भी वहाँ नजर आएंगे, आप लोग भी पहुँचेंगे उनकी प्रॉब्लम। जैसे देवी माँ का आदेश रहेगा, जैसे देवी माँ का आदेश मिलेगा वैसे हम करते जाएंगे, हम तो उनके हुक्म के सेवादार हैं।